नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। कल बीते शाम SCET के तमाम जो अभ्यर्थी थे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनकी बीते शाम मुलाकात भी। वहीं तेजस्वी यादव ने साफ साफ SCET अभ्यर्थियों को लेकर साफ साफ कहा कि हम विधानसभा में आप लोगों की आवाज़ पहले भी उठाते आए हैं और अब भी विधानसभा चल रहा है तो हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। वहीं उन्होंने साफ साफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा। नीतीश कुमार ने दावा तो किया है लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगार फिर रहे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। अगर बात कर ले तो बिहार में जो सरकार है वो चोर दरवाजे से आई सरकार है और रोज़गार का जो दावा करती है बिहार सरकार, कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार फिर रहे उनका दावा कहीं ना कहीं फेल है। इसी बीच आपको हम बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आवाज़ उठाते आए हैं, तमाम बेरोजगार युवा हों या फिर SCET अभ्यर्थी हों, और आपकी आवाज़ फिर से हम विधानसभा में उठाएंगे। वहीं आप तस्वीर दिखे किस तरीके से तमाम जो SCET के अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। वहीं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से बात कर रहे थे, वहीं अभ्यर्थियों ने अपना बात रखा और कहा कि सर हम बेरोजगार फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से कितने बार मिले लेकिन शिक्षा मंत्री भी हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने फिर से आपको बता दें कि साफ साफ कहा है कि तमाम जो SCET के अभ्यर्थी उनकी हम बात रखेंगे बिहार विधानसभा में और आपकी आवाज़ उठाएंगे। आपको हम बता दें कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। अगर बात कर ले तो बीते शाम कल तेजस्वी यादव से मिलने SCET के तमाम जो अभ्यर्थी थे वो पहुंचे थे। वहीं तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया और कहा कि आपकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे और आपका आवाज़ उठाएंगे हम बिहार विधानसभा में। बता दें आपको कि SCET के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिलते हैं। बीते दिन शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि SCET मेरिट हो या फिर नॉट मेरिट हो, सब एक हैं और सबकी नौकरी पक्की है। उन्होंने यह भी कहा कि सब भाग लेंगे क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। आपको बता दें कि 2011 के तमाम जो SCET के अभ्यर्थी हैं वो भी पास हो चुके हैं। यहाँ तक उनको बता दिया गया था कि कौन से स्कूल में कौन अभ्यर्थियों की नौकरी होगी लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी नौकरी नहीं हो रही है। इसी बीच आपको बता दें तमाम जो SCET के अभ्यर्थी थे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया, वहीं उन्होंने कहा है कि हम आपकी आवाज़ बिहार विधानसभा में उठाएंगे, सत्र में उठाएंगे और आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ दावा करते हैं लेकिन रोज़गार का कहीं बात कर ले तो कहीं ना कहीं वह नहीं मिलता है युवाओं को रोज़गार, युवा भटक रहे हैं, सरकार शराब ढूंढने में लगी है। आपने देखा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से तमाम SCET के अभ्यर्थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। फिलहाल देखना ये होगा कि SCET अभ्यर्थियों को कब तक नौकरी मिलती है और कब तक SCET अभ्यर्थी अपना काम करते दिखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।